कैसे रहा वस्तु को रे दा दफल प्रोग्राम दे जोर शोशे वाह तो चुए तैयार दे ले कई तो मौसम ला गार खिड़की हुई कदा वो सर तो समयदार सो जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रोग्राम बन गया है फिश का इंसाफ फिश की तरफ जा रहे हैं फिश खाने। प्रोग्राम अचानक से बन गया है शायद का प्रोग्राम है उसकी तरफ से सारा खर्चा है तो अभी कह रहे हैं कि भाई गाड़ी निकालो। यार मैंने गाड़ी इतनी मुश्किल से साफ़ की है ना लेकिन बहरहाल मेरे दोस्त हैं तो दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, गाड़ी की सफाई फिर भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इंसाफ फिश की तरफ, पहले गाड़ी ज़रा स्टार्ट करके थोड़ी सी गर्म हो जाए तो फिर उसकी तरफ निकलते। चलिए जी जनाब मैं अपने दोस्तों को लेने जा रहा हूँ, गाड़ी गर्म हो गई है। अरे ब्रेकर पे थोड़ा सा तेज़ मैं चला गया और उनका थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं इंतज़ार इतना वैसे है नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा फिर निकलते उसी तरह। राइट ओके सो लेट्स गो। तैयार जमगा ऑर्डर टमाटर सर की जब टमाटर वाले मैं दादी सुड़ी खर्चा कर दादे दादी शेख शेख हाँ वो बदगा बिया दा बड़ी खबरी थी बदल कर दे फिर मैं बोल 100 रुपया का किलो चपन्ना घुमान के पड़ लियो सलम फिर बस खराब है। हाँ दादू मैं ढेर दा रचा दिला जना फिश की वैरायटी है ये देख ली मुझे तो पश्तो में इसके नाम है ये चाइना है साथ में ये सिल्वर ये शेर माही जिसको हम शेर मही कहते हैं ये सारे हैं देख ले अपनी चॉइस का जो आपको पसंद हो। हमने तो ले लिया है ग्रास अब इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। जमुंगा का चरता दे जमुंगा वजह तुम रे पता का राग ढेर दे यहाँ पे पहुंच चुके हैं ऑर्डर दे दिया है। थोड़ा सा रश है वैसे थोड़ा सा ज्यादा नहीं ये मोटर के करीब है तो ये टेस्ट की वजह से हम यहाँ पे दूसरी दफा आए हैं और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान से पहले पहले एक और प्रोग्राम का हमारा यहाँ पे इरादा है। फिलहाल आज आए हैं और ये प्रोग्राम अचानक बन गया नहीं तो कोई इरादा था नहीं बस अचानक ही बन गया। एब्रप्टली एक कॉल आ गई है शायद की तरफ से कि भाई चलो चलते हैं। यार ये ज़रा देख ली बड़ी ज़्यादती है मैंने अपनी गाड़ी इतने मैंने मुश्किलों से मैंने इसकी सफाई की थी अंदर और बाहर लेकिन दोस्त मेरे ऐसे सारे कि मैं इनको इनकार नहीं कर सकता था कि चलो यार चलते। मैंने कहा चलो चलते हैं सफाई फिर से सही तो अभी आ गए हैं। ये जैसे ही आप मोटरवे की तरफ जाते हैं ना तो बस मोटरवे यहाँ पे करीब ही पड़ता है उसका सामने बोर्ड नज़र आ रहा है ये इंसाफ फिश सेंटर है। टेस्ट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक वेन्यू है ये दो तीन किस्म की यहाँ पे फिश तैयार करते हैं ये लोग। एक तो कढ़ाई में फ्राई आम दूसरा ग्रिल और तीसरा वो एक सीख में कहते हैं कि वो उसकी कटाई अलग से होती है नहीं तो
मेरा मेरा तो ख्याल ये था कि सीख में हम इस दफ़ा उसका टेस्ट लेंगे, बस चले कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मेरा और बाचासे का जब प्रोग्राम होगा अल्लाह खैर करे कमिंग वीक को सैटरडे को, तो वो इंशाल्लाह सीख में हम ट्राई करेंगे। और सहूलत है यहाँ पे जनाब, ये सामने तंदूर है यहाँ पे, तो गर्म रोटियाँ यहाँ से, मतलब कि ठंडी रोटियाँ नहीं, जैसे तंदूर से निकालते हैं तो आपके सामने पेश कर देते हैं। ये देख लीजिए जनाब, ये जगह है इंसाफ फिश सेंटर की, खूबसूरत खुली जगह है। और दो तीन ऑर्डर हमसे पहले गए हैं, वो सारे ग्रिल ग्रिल के गए हैं, तो हमारा भी ग्रिल का है, क्योंकि वो एक इशू ऐसा है कि जब भी किसी एक चीज़ का टेस्ट आपके मुंह को लग जाए तो फिर वही लगता है सारी उम्र। ये मोटरवे की तरफ, ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं मोटरवे का, और इस तरफ लातादाद सीएनजी स्टेशन, साथ में दो तीन चार पाँच बल्कि छः होटल और भी आते हैं। और ये इंसाफ फिश सेंटर है, ये ज़रा देख ले। तो हमारे ऑर्डर बनने में, तैयार होने में अभी थोड़ी सी देर है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना इस जगह से थोड़ा सा लुत्फ़ उठाऊँ। वो ऑर्डर बन गए हैं, ये देख ले, देख ले, ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया। ओ आग भी साथ ले क्या है? आग नहीं यार, कोयला, कोयला मेरे ख्याल से इसके साथ कम हो गया है, तो इसलिए दूसरी जगह से सप्लाई हो रही है। पीछा कड़ेदा तो गोरेदा सीधी। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के वहाँ पे खाना वगैरह सारा छोड़ के यहाँ पे कैसे मैं आ गया। तो एक दोस्त की यहाँ पे हाज़री है, बस जस्ट वो हाज़री करने के आए हैं यहाँ पे इस हॉल में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शादी हॉल है, ये आप देख ले, तो वो बस जस्ट हाज़री के लिए आए हैं, सलाम कलाम के लिए, सलाम दुआ के लिए, कि बस मैंने हाज़री कर दी, मैं आ गया हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी। तो वो जैसे यहाँ से फारिग होते हैं तो फिर चलते हैं अपनी तरफ। कैसे रहा वस्तु गुआ रहे दफल प्रोग्राम दे जोर शोशे तो चुए तैयार दे ले कहीं तो वो समझा गार खड़ी की हुई कदा वो सर तो समयदार सो आजा बस ब्याह सही था रश तो हो रहा है ना मुंगा पास खदा खो मुंगा मक्के चीनी ना देवी जान ले मैं सब यार शुरू जोड़ करूँ कत्ते चिदार सलाद उपाने खुरे तो पाने होता हो दो खड़े रावल सालो और यो पकी निश्ता देर और से उस पर पता लगी खा उस पर जता सदा का मजी ये लोग का दाता सिर्फ जान तो मैं एक दाका ना गोरा ताकार में कहो शायद आओ का ना रहे तेरा वाला आधा का दिन आओ से और सर खुद ही मजान ले सिर्फ पोख कर दे वो दामुं बस को बेटा चेक और ना ना ठीक दे बस प्रे गिरा डेर अला दी तदे शुक्र दे दे लवाजिमा तो तोगर अल्हम्दुलिल्लाह इला कुल हाल सम पमकी जुनु ये तुचत को दस बस सदर हम बस आओ यो ते रुचत का बस बिस्मिल्लाह वला हकतिल्लाह ओखे बस जी बरा पकी कारगान ता फरी खान ते सामरान बस बंद देखो रे और का ना दउ ना पासा नहीं اثر خو پاتش خود د دې خړو ته بالکل میتاب نه راځي باقی بس خصفه یو شو ټټ ټټ دا والا نو دا سم چې بس بیخي د سکول نو ماتماته وی والا چېو نو زړم ډک شو نو استاد اثر را کولو نو خو دا بزان زیاتی غنو شو کولی دا قصه ده نه دا چې دا کب د کب د اثر ته ځان ځان لخري ته په یار ډیر خوان دی سلادونه ملادونه چنه نه هر شی وسره ډیر شیون بس خوان هوی دغل تک یو که پروگرام ختم هوګه پروگرام وړ گیا اور بہت زیادہ ٹیسٹی پروگرام تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے روپوں کا بل بنا ہے وہ بل پے کر کے بس جلدی سے نکلتے ایک بندے کا کوئی انتظار کر رہا ہے جی را کنا را 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 بس تے سپین کیو سر ورکا लेबनन पता देव लगी सबर का वहां टेपम पके वर का वदा शांति केने केने मारे होता सपा कैसे वापस सीधा। गाइस बस आज का प्रोग्राम यहां तक, सारे दोस्तों को मैंने ड्रॉप कर दिया है और मैं पहुंच गया हूं घर। अभी मैंने पीनी है थोड़ी सी ग्रीन टी। तो आज का प्रोग्राम इंसाफ फिश के साथ यहां तक, ग्रिल का प्रोग्राम था बड़ा ज़बरदस्त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।